निवाण वाले पासे नूं चलाना होवे ते निवाण वाले पासे ते अगे जा ही रहा है, कोशिश करनी हुंदी है इस नूं अपलिफ्ट करन दी, उपर चुकन दी। और उपर ले जाण वास्ते मस्कीन साहब बड़ी सोहनी कथा करदे हुंदे सन कि किसी चीज़ नूं उपर खड़ना होए तां बड़ा मुशक्कत लगती है। एक पत्थर नूं चुक के पहाड़ की चोटी ते पहुँचाना होवे ते बड़ा दम लगता, बड़ी एनर्जी लगती है, ते उत्तों रेड़ना होए ते माड़ा जिहा बस पैर ला दो तो वह आपे रिड़ता तो आपे थले चला जाता। तो जीवन जेड़ा है मनुख नूं जिहड़ा जन्म प्राप्त होया तो उहदे विच जीवन की कमाई करनी बड़ी मुश्किल है, पर सतगुरु की प्रेरणा के नाल, गुरु की बाणी के नाल, गुरु पातशाह सच्चे पातशाह जी ये हौसला दिंदे ने सेवक नूं कि नाम जप के सेवा सिमरन पर पकार करके इस मुकाम ते इस मंजिल ते पहुँचा जा सकता, क्योंकि जीवन जो चलता पाया तो कोई यदि मंजिल होएगी, मंजिल तो बगैर तो कुछ होता नहीं। जिहड़ा आदमी तुरे है कितना कितने तो पहुँचेगा ही, तो जीवन के सक्सैसफुल होना। पातशाह जी कहने अब मोहे जीवन पदवी पाई, तो जीवन की पदवी पानी बड़ी मुश्किल है। जन्म तो मिल जाता है, जन्म एक्सीडेंटल होता है, जन्म सब नूं प्राप्त हो जाता, पर डिक्शनरी दे विच आपां सारिआं नूं संबोधन होणगे जी। इस गल की मैं माफ़ी चाहुंदा महापुरशां पासों कि असीं इत्थों महापुरशां का समां अनाउंस करदे चंगे नहीं लगदे, क्योंकि वड्डे हन, जिवें उहनां दी मौज होवे उह कर सकदे ने, पर समें की मजबूरी मुताबक सानूं इत्थों बेनती करनी पै रही है। इस करके मैं माफ़ी मंगदा महापुरशां पासों, ते महापुरशां नूं बेनती है बाबा जथेदार निहाल सिंह जी हरियां वेलां वाले महापुरशां नूं उस स्टेज उपरों 15 मिनट वास्ते सारिया संगतां नूं संबोधन होणगे जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की दास वालों हाथ जोड़ के शीस नवा के निमलता साहब भलाई प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, बहुत ही सौभाग समा है, कीमती समा है,
साहेब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की शब्दशाह हेठ पवित्र आत्मा सत्कारयोग महापुरश श्रीमान संत बाबा सतपाल सिंह जी की अगवाई विच नगर सारी इलाका निवासी संगत देश विदेश दिया समूह संगत वालों कीर्तन दरबार हो रहे हैं। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के हजूरी रागी सिंह सत्कारयोग भाई साहब जी ने आप जी ने अपने जथे समेत अमृतमयी रस भिन्ना कीर्तन सरवण करवा के निहाल किया है। परम सत्कारयोग साध संगत जी साहिब सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी जिन्हों बारे भाई साहब भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं, बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। एक गल का जरूर ध्यान करिए, पुरातन गुरसिख हुण भी जिहड़े पूर्ण श्रद्धा रखते हैं वो सतगुरु जी का जो नाम लेना हो तो बहुत अदब सत्कार साहब लेते हैं। साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज साढ़े विद्वाना ने कथावाचकों ने लिखारिया ने इस नाम को संकोचते हुए सहजे सहजे पहला लिखना शुरू कर दिता श्री गुरु नानक देव जी ते सरकार की हुई बेनती प्रवान करके सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी के चरणों के इनान करवा के चरण पहल दी जाती सी चरणामृत चरण धोए रहरास कर चरणामृत सिखा पिलाया भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ये मर्यादा पंजा प्यारियां दी साजना तक गुरु घर में कायम रही ते पंजा प्यारियां दी साजना तो बाद गुरु साहब जी ने कहा हुण नहीं हुण खंडे बाटे दा अमृत चरणामृत की मर्यादा समाप्त है जे कोई करे तो मानमत है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरमंत्र की बख्शिश कराया करते सतगुरु जी ने पहले जामे में ही वाहेगुरु गुरमंत्र की बख्शिश की थी। वावे नू करना हाहे नू हिस्यारी करते नू उंकण रारे नू रूत लेंगने लाके वाहे गुरु गुरमंत्र सतगुरु जी बख्शिश करते सन। तो सत संगत जी गुरमंत्र बख्शिश करके फिर गुरु साहब जी चार गलों तो बवरजत करते सन कि साढ़े सिख ने यह चार गल नहीं करनी, केस नहीं कटने, केसा की बेअदबी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं परतना। जिन्ना चिर कलगी धर पिता जी ने पंजा प्यारे की शीस भेट लैके खंडे पाते का अमृत नहीं छकाया खालसा पंथ प्रगट नहीं किया उन्हां चिर सारे सहजधारी ही सन, पर सारिआं ते गुरु साहब जी के चार बचन चार हुक्म सारिआं ते लागू होंदे सन, केस नहीं कटणे, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, तंबाकू नहीं परतना। वो कौन है सहजधारी सिख? तो सात संगत जी गुरु साहब जी फिर 14 साल 9 महीने सुल्तानपुर साहब जी की पवित्र धरती से विराजमान रहे, नदी पे नई नदी च प्रवेश करके 48 घंटे बाद जो प्रगट हुए सतगुरु जी फिर मूल मंत्र लेके आए एक ओंकार सारे पढ़िए एक बारी सारिया ने बोलना एक ओंकार उच्ची बोलो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप
ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਭਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਸਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਅੱਡੇ ਤਕਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਨਕਲਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰੀ ਪਾਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਗਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੀਰ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਆ ਮੇਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਦਫ਼ਾ ਲਾਤੀ ਆਹ ਦਫ਼ਾ ਲਾਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਗਤੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਫਿਰ 302 ਦਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਚੇਤਾ ਚੁੱਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਜਿਹਾ ਬੀਓ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਸਾਰੇ ਥਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮਿਸਾਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰੋ,
पिठ पिछे बाद च करो पर सच का मूह ते कहना पैंदा है। सो हो गया भोला लिखवा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। श्री गुरु नानक देव साहिब दे वेलफेयर सोसाइटी वालों सरकार नूं महापुरख श्रीमान संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां वेलां वाले महापुरशां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जिन्हां ने आपां सारिआं नूं अपने कीमती वचन सुना के निहाल कीता है, चल रहे समय बारे भी जाणू करवाया है। महापुरशां दा बहुत बहुत धन्नवाद। 9:30 बजे तक मीरी पीरी खालसा जथा जगाधरी वालियां बीबियां आपां सारिआं नूं निहाल करनगीआं जी। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। आप संगतों की सेवा कर सकिए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन सुन लगे हां, जिथे भी परमात्मा का नाम लिया जाता है, जिस दिन असी सब कुछ भुला के कीर्तन विच जुड़ जावांगे, जिस दिन मन जुड़ गया, उस दिन तुहाडे सारे कारज वो गुरु नानक साहब आप पूरे करनगे। एक गुरु दी कृपा सत संगत जिस वेले आपां गुरु दे कोल आने आं, ते गुरु दे कोल भी उदों आने आं जदों गुरु आप कृपा करदा है। उहदी कृपा तों बगैर असी उहदे कोल आ भी नहीं सकदे। बड़े वड्डिया भागां वाले ओ जो दूरों नेड़े उछल के धन गुरु नानक साहब महाराज दियां खुशियां लैण वास्ते आए हो, तो आओ प्यारे हो
सारे मिलके कीर्तन करिए, कोई भी रसना वाजी ना रह जाए। Thank you.
शब्द सुपाकिया बाणी शब्द सुपाकिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुर पूरे Thank you.
आवाज नाल ए पंडाल ना गूंजे, गल बनती नहीं सतसंग जी करो कृपा। आप जितने भी बैठे हो ग्रस्ती हो संसारी हो, ते कुछ ना कुछ ते चाहिए, किसी नु काम कार विच वादा चाहिए, किसी नु शरीर की दे अरोगता, कोई धिया पुत्रां दे सुख मंगता, कोई कमाई विच बरकत चाहता, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जो चाहिए मंगो सतगुर कोलो। पर ये पंक्तियां पढ़दियां होया क्योंकि मंगण दा वेला ओहो ही हुंदा है जदों मन जुड़िया होवे। एक वारी दास बोलणगे, एक वारी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी, कोई भी रसना वाची ना रह जाए। मेरे प्यारे सतगुरु जी, मेरे प्यारे सतगुरु जी।
पुत्र दा धी दा जन्मदिन होवे ते किन्नियां खुशियां लोग करदे ने, मापे बड़ा कुछ मंडदे ने, ते अज ते रह सकदी ऐ आखो सतनाम श्री। जिन्नियां भी संगतां दूरों नेड़े चल के आए हो, सारे अपने अपने वालों ताकि साढ़े दुख दरिद्र भी कटे जान, तो आओ एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत आपे केड़ा पाला।